पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में यातायात माह का शुक्रवार 1 नवंबर को भव्य शुभारंभ हुआ और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 108 स्थित कार्यालय में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। हर साल की तरह इस बार भी नवंबर माह को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात माह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने लक्ष्मी सिंह ने बताया है कि यातायात माह का उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है और इसीलिए यातायात माह की शुरुआत की गई है। देखिए, हमारी जो एनालिसिस हुई थी उसमें रॉन्ग से रॉन्ग लेन ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग कट से सड़क को क्रॉस कर लेना, ये तीन मेजर हिस्से आए थे जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन हुए थे। इसमें हमने सभी अथॉरिटीज से संपर्क किया था और उनके सहयोग से जहाँ जहाँ रोड इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी उसको अभियान के तौर पर चलाया गया था, किया गया है, आगे भी इस पर हम ध्यान देंगे। सेकेंडली है अवेयरनेस क्रिएट करना, पढ़े लिखी जनता के बीच में ये बताना कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड बचाने से आप अपनी ज़िंदगी को नाहक खतरे में डाल रहे हैं, ये संदेश उन तक पहुँचाना। और तीसरा होगा कि इस पर हमारा एक ज़ोरदार एनफोर्समेंट का अभियान चलना। सर्दियों को लेकर जैसा आप जानते हैं दिल्ली NCR में स्मॉग की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से रोड की विजिबिलिटी डाउन होती है, इसको लेके भी आने वाले दिनों में हमारे अपने प्रिकॉशंस चालू होंगे। एक्सप्रेसवेज की स्पीड लिमिट को कम किया जाएगा, एनफोर्समेंट ड्राइव के माध्यम से, स्पीडोमीटर के माध्यम से हम स्पीड को कम करेंगे। जगह जगह पर विजिबल डिस्प्ले, LED डिस्प्लेस की व्यवस्था की जा रही है और उसको तैयार किया जाएगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर ये चेतावनियाँ जारी रहेंगी। हमारा उद्देश्य रहेगा कि DCP ट्रैफिक का जो सोशल मीडिया चैनल है उसके माध्यम से हम इन अपडेट्स को जनता के साथ शेयर कर सकें।